आज के इस सत्र के बाद छात्र ये जान पाएंगे कि भारत के लोकसभा के संगठन कैसे होता है, दूसरा लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों को समझा पाएंगे। आज के विषय वस्तु को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है लोकसभा का संगठन। उस संगठन के अंतर्गत हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या, निर्वाचन एवं सदस्यों की योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे एवं दूसरे भाग में हम लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा या संसद के बारे में जानने से पहले एक विचारक के एक सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो विचारक है मोंटेस्क्यू, जिसने आज से कई साल पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में अपना विचार प्रतिपादन किया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत मोंटेस्क्यू ने बताया कि शासन के तीन अंग होना आवश्यक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। उस विचारक ने बताया कि न्यायपालिका का कार्य होना चाहिए कानून की व्याख्या करना या कानून कहां तक सही या गलत है उस संबंध में निर्णय देना, कार्यपालिका का कार्य होना चाहिए कानून को लागू करना या कानून का क्रियान्वयन करना एवं व्यवस्थापिका का कार्य होना चाहिए कानून का निर्माण करना या विधि का निर्माण करना। तो उसी प्रकार उसी सिद्धांत पर आधारित है भारत का भी संविधान। आज भारत में भी उसी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों में शक्ति का विभाजन किया गया है। हमारी जो व्यवस्थापिका है उसे हम संसद कहते हैं। हमारी संसद द्विसदनात्मक है, यानी संसद में दो सदन है। हमारे 1919 एवं 1935 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई थी और आज भी स्वतंत्रता के बाद हमारी संसद जो है ब्रिटिश संसद के अनुरूप दो सदनों में है। अब लोकसभा जो है भारत के संसद का एक अंग है। लोकसभा के संगठन के बारे में जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि भारत के संसद की संरचना किस प्रकार हुई है। ये भारत के संसद की फोटो है स्क्रीन पर। भारत के संसद के तीन अंग हैं। संविधान की धारा 79 के अनुसार ये बताया गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संसद के तीन अंग हैं। पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा जो भारत के संसद का प्रथम या निम्न सदन कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान से देखें, कई बार भ्रमित हो जाते हैं, प्रथम एवं उच्च सदन मान लेते हैं, लेकिन लोकसभा भारत का प्रथम सदन है लेकिन ये संसद का निम्न सदन ही कहलाता है। एवं तीसरा राज्यसभा जो द्वितीय सदन है लेकिन ये उच्च सदन है। अतः संसद के तीन अंग है या इन तीन संस्थाओं को लेकर भारत के संसद का निर्माण किया गया है। अब स्क्रीन पर लोकसभा का चित्र है। इस संसद का जो निम्न सदन है एवं प्रथम सदन है भारत के संसद का, वह लोकसभा है। कई बार लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होने के कारण भारत के संसद एवं लोकसभा को पर्यायवाची माना जाता है, यानी लोकसभा का आशय भारत के संसद से ही होता है। लोकसभा के संगठन के अंतर्गत हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा की सदस्य संख्या के आधार पर हम पहले एक अधिनियम जिसको गोवा दामन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के नाम से जाना जाता है, उसमें भारत की लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी उस संबंध में बताया गया है। यानी उसमें अधिकतम सदस्य संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है। भारत की लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या इतनी हो सकती है। राज्यों के जो सदस्य होंगे 530 सदस्य होंगे, संघीय क्षेत्र के 20 सदस्य होंगे एवं आंग्ल भारतीय सदस्य 2 होंगे। इनमें से मैं आपको बता दूं, जो राज्य एवं संघीय क्षेत्र के सदस्य होंगे ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होंगे,
और जो आंग्ल भारतीय सदस्य होंगे ये दो सदस्य होंगे, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं और उस स्थिति में मनोनीत होते हैं जब आंग्ल भारतीय सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। तो इसलिए अधिकतम सदस्य संख्या जो है भारत की लोकसभा की 530 जो राज्यों के सदस्य हैं, 20 संघीय क्षेत्र के सदस्य हैं एवं 2 जो आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्य हैं। इसी प्रकार कुल 552 अधिकतम सदस्य संख्या भारत की लोकसभा की हो सकती है। लेकिन वर्तमान में भारत की लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है उस संबंध में आइए जानते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या इस प्रकार है, राज्यों की सदस्य संख्या है 530, संघीय क्षेत्र के सदस्य संख्या है 13 एवं आंग्ल भारतीय सदस्य हैं 2। इसलिए वर्तमान में जो सदस्य संख्या है 530 धन 13 धन 2, इस प्रकार कुल 545, यानी वर्तमान में जो सदस्य संख्या एवं अधिकतम सदस्य संख्या में अंतर सिर्फ संघीय क्षेत्रों में है। अधिकतम सदस्य संख्या संघीय क्षेत्रों के 20 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में संघीय क्षेत्रों की जो सदस्य संख्या है वो 13 है। इसलिए कई बार छात्र भ्रमित हो जाते हैं कि पुस्तक में लिखा हुआ है 552 एवं पेपर में हम पढ़ रहे हैं 545, इसलिए बिल्कुल भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552 एवं वर्तमान में जो संख्या है वो 545। आइए इस तुलना को अच्छे से देख लें, तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन और एक बार कर लें, जिससे हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है 552 एवं सदस्य संख्या है वर्तमान में 545। इसमें जो सदस्य संख्या है वो राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में बंटी हुई है। जो बड़े राज्य हैं उनको अधिक सदस्य दिए गए हैं लोकसभा में, जो छोटे राज्य हैं उनके जनसंख्या कम होने के कारण उनकी सदस्य संख्या कम होती है। यहाँ जो बड़े राज्य की सदस्य संख्या का वर्णन हम करेंगे, यहाँ बड़े से आशय है उनकी जनसंख्या। जो बृहद जनसंख्या के राज्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या है लोकसभा में 80, महाराष्ट्र की सदस्य संख्या है 48, आंध्र प्रदेश की सदस्य संख्या है 42, पश्चिम बंगाल की सदस्य संख्या है 42, बिहार की सदस्य संख्या है 40। ये सब भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े राज्य हैं। कुछ छोटे राज्यों की सदस्य संख्या के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। छोटे राज्य जैसे मेघालय, इसकी सदस्य संख्या है 2, नागालैंड की सदस्य संख्या 1, सिक्किम 1, मिजोरम 1, इस प्रकार जो छोटे राज्य हैं उनकी सदस्य संख्या इस तरह कम है। बिल्कुल उसी तरह जो बड़ा संघीय क्षेत्र है दिल्ली, उसकी सदस्य संख्या है 7, जबकि जो छोटे सदस्य संघीय क्षेत्र हैं उनकी सदस्य संख्या सब 1 है। पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप एवं दमन एवं दीव, ये जो बाकी 6 संघीय क्षेत्र हैं इन सभी को एक एक सीट लोकसभा में प्रदान की गई है। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय? इसका सही उत्तर है डी, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा इन 3 अंगों को लेकर ही निर्मित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय जो है यह न्यायपालिका का अंग है, अतः यह संसद का अंग नहीं है। आइए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 500, बी 520, सी 530, डी 552। इसमें सही उत्तर है डी 552। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 530, 540, 545 या 550? इसमें सही उत्तर है सी 545। अब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, आइए इस संबंध में हम चर्चा करें। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी जो भी चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य या सांसद निर्वाचित होते हैं और ये चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी भारत के जो वयस्क नागरिक हैं उन 61वां संवैधानिक संशोधन के बाद भारत में 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वयस्क नागरिक की संज्ञा दी जाती है और जो वयस्क नागरिक होते हैं उनको मतदान का अधिकार प्राप्त होने पर लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में वो भाग लेते हैं
और इस प्रकार इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। इसलिए लोकसभा का चुनाव को कभी कभी हम आम चुनाव भी कहते हैं, क्योंकि उसमें पूरे भारत की जनता ही भाग लेती है। जो वयस्क नागरिक होते हैं उनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो आइए, लोकसभा के चुनाव में जो मतदाता होते हैं, जो मतदान करते हैं, जो निर्वाचित करते हैं हमारी संसद को, लोकसभा के सांसदों को, तो उनकी योग्यताएं क्या होती है उसके संबंध में हम चर्चा करें। पहली बात है, जो मतदाता होते हैं वो भारत के नागरिक होना उनके लिए अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक मतदाता जो होता है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वो पागल या दिवालिया नहीं हो। यहाँ पागल या दिवालिया से तात्पर्य हमारा ये है कि न्यायालय उसको पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो। चौथा, संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया हो। यदि संसद के कानून द्वारा किसी व्यक्ति को अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित कर दिया जाता है तो मतदान के लिए योग्य नहीं होता है। तो ये थी मतदाता की योग्यताएं। अब हम चर्चा करते हैं संसद लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं में पहली बात है कि भारत का नागरिक हो। कोई भी विदेशी लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जहां मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष रखी गई है। तीसरा, वो पागल या दिवालिया नहीं हो, यानी यहाँ भी हम वही बताएंगे कि न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। एवं चौथा, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ का पद धारण ना किया हो। यहाँ लाभ का पद, ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय नौकरी में है, राज्य सरकार के अंतर्गत हो या केंद्र सरकार के अंतर्गत हो, उसको वेतन का लाभ मिलता है। नौकरी में रहकर कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उसको शासन से प्राप्त होती हैं। तो लाभ के पद पर यदि कोई व्यक्ति आसीन होता है तो लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकता। यदि लाभ के पद पर रहकर वो लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है तो स्थिति में उसको पद का त्याग पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर चुनाव में उम्मीदवार के रूप में वो आ सकता है। अब लोकसभा का कार्यकाल क्या है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब प्रश्न ये आता है, क्या 5 वर्ष से पहले लोकसभा समाप्त हो सकती है या लोकसभा भंग हो सकती है, या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक हो सकता है? इस संबंध में आइए विस्तार में हम चर्चा करें। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यानी आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बीच में भी 5 वर्ष से पहले कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हम आपको बता दें, ऐसे भारत में अभी तक 8 बार हो चुका है और अंतिम जो हुआ था वो अप्रैल 1999 में अपने कार्यकाल पूर्ण करने से पहले लोकसभा भंग हो गई थी। अब हम देखें कि लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, क्या उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल सही, संकटकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। यानी 5 वर्ष से भी आगे कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि संकटकाल की घोषणा होनी चाहिए। भारत में, भारत के संविधान के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा का वर्णन 3 अनुच्छेदों में किया गया है, अनुच्छेद 352, 356 एवं 360। इन अनुच्छेदों के आधार पर जब संकटकाल की घोषणा की जाती है तो स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल यदि संसद चाहे कानून पारित कर उसमें लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, लेकिन ये वृद्धि कितनी की जाएगी उस संबंध में हम बताना चाहेंगे। कार्यकाल में ये वृद्धि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी एक बार में कार्यकाल केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। उसके आगे यदि बढ़ाना होता है तब पुनः संसद विधि द्वारा इस कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं।
अब आइए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। पहला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। सही उत्तर है ए 25 ईयर्स। द्वितीय प्रश्न, प्रधानमंत्री के परामर्श पर किसके द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग की जा सकती है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ही कार्यकाल पूर्ण होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकती है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री का परामर्श उसे प्राप्त हो। तीसरा प्रश्न, संकटकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष? एक बार में ये केवल एक वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। आइए लोकसभा की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करें। हम सभी ये जानते हैं कि जो दोनों सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, उनमें से लोकसभा शक्तिशाली सदन है। शक्तिशाली लोकसभा को बनाने के पीछे जो पहला एवं प्रमुख कारण है वो यही है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जाते हैं। लोकसभा की इन शक्तियों को हम कई भागों में बांटे हैं। पहले हम चर्चा करेंगे विधायी शक्ति, यानी विधि निर्माण संबंधी शक्ति या कानून बनाने संबंधी शक्ति। द्वितीय है वित्तीय शक्ति, यानी वित्त विधेयक को पारित करने के संबंध में लोकसभा की शक्तियाँ क्या है। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। जैसा मैंने बताया पहले से कि लोकसभा व्यवस्थापिका का एक अंग है। भारत की व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं और संसद का वो प्रथम सदन है, और व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण या व्यवस्थापिका का पहला सदन लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति क्या है। चौथा, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति लोकसभा को क्या प्राप्त है। और पांचवा, एक निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा के कार्य क्या है। तो आइए पहला बिंदु, संसद की विधायी शक्ति यानी लोकसभा की विधायी शक्ति पर जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें पूरी संसद की ही विधायी शक्ति के बारे में हम चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी संसद के दो सदन होते हैं और लोकसभा प्रथम सदन है। जो भी विधायी शक्ति होती है वो दोनों सदन उसमें लगभग बराबरी से ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों सदनों की शक्ति का हमें निरीक्षण करना पड़ेगा। दोनों सदनों की शक्ति का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हम उसमें लोकसभा की शक्ति उसमें कितनी है उस संबंध में हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो भारत के संसद की विधायी शक्ति के संबंध में हमें बताना चाहेंगे कि भारत की संसद जो है संघीय सूची के विषय में, अवशेष विषय में एवं कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। यानी जो विधायी शक्ति होती है भारत की संसद की, ये कहाँ तक फैली हुई है उससे आपको इसका ज्ञान प्राप्त होगा। पहली बात है कि संघीय सूची के जितने विषय हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार एवं इकाई की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन होता है। यानी भारत में संविधान में जो शक्ति का विभाजन हुआ है वो तीन सूचियों में शक्ति का विभाजन किया गया है। पहली सूची है संघीय सूची, उस सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त। दूसरी सूची है राज्य सूची, राज्य सूची में जो विषय हैं वो स्थानीय महत्व के होते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही प्राप्त है। एवं तीसरी जो सूची होती है वो संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को प्राप्त है। इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है उनको अवशेष विषय माना जाता है, और जितने भी अवशेष विषय होंगे तीनों सूचियों में जिनका पंजीकरण नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है, यानी केंद्र सरकार को प्राप्त है। एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। वो हम बाद में जब राज्यसभा की शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। पहली बात है अवित्तीय विधेयक संसद में पारित होने की प्रक्रिया। आमतौर पर जितने भी विधेयक होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है साधारण या वित्तीय विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक वो विधेयक होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं, वित्त से संबंधित होते हैं, और बाकी जितने भी विधेयक होते हैं वो अवित्तीय विधेयक होते हैं।
अवित्तीय विधेयक संसद में पारित होने की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। कोई भी अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में प्रस्तावित हो सकता है। प्रस्तावित का मतलब हम और सरलीकरण करके उसको ऐसे समझ सकते हैं, कुछ विधेयक पहले किस सदन में उसका प्रारंभ होता है, लोकसभा में उसकी शुरुआत हो सकती है या राज्यसभा में शुरुआत हो सकती है। जहां उसकी शुरुआत होती है ये कहा जाता है कि उस सदन में विधायक प्रस्तावित हुआ है। उसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अवित्तीय विधेयक पारित होता है, यानी पहले प्रस्तावित होगा। मान लीजिए लोकसभा में अवित्तीय विधेयक प्रस्तावित होता है तो पहले लोकसभा में वो साधारण बहुमत से पारित होता है, उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद फिर दूसरा सदन राज्यसभा में भेज दिया जाता है एवं राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित होना उसके लिए आवश्यक होता है। उसको थोड़ा सा उल्टा करके भी देखें, यदि पहले राज्यसभा में प्रस्तावित होता है तो पहले राज्यसभा में पारित होता है साधारण बहुमत से, उसके बाद फिर लोकसभा में उस विधेयक को भेज दिया जाता है जहां पारित होना उसके लिए आवश्यक होता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद फिर अंत में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए विधेयक को भेज दिया जाता है। यह है हमारी सामान्य प्रक्रिया। लेकिन अब बात यह आती है कि यदि दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी एक सदन में विधेयक पारित होता है और दूसरे सदन में पारित नहीं होता है, तो स्थिति में क्या होता है? मतभेद की स्थिति में प्रक्रिया ऐसी है कि दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। अब संयुक्त बैठक में देखने वाली बात यह है कि लोकसभा के सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्य संख्या से दुगुनी से अधिक होने के कारण लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली हो जाती है। जब संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है उसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर मतदान करते हैं, लेकिन चूंकि लोकसभा के सदस्य संख्या वर्तमान में मैंने आपको बताया कि 545 है, जो राज्यसभा के सदस्य संख्या से दुगुना से अधिक है, इसलिए जाहिर है कि उस स्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा अपने सदस्य संख्या के आधार पर राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली सदन हो जाती है। यह है एक संयुक्त बैठक का चित्र जहां लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर मतदान कर रहे हैं। अब लोकसभा की वित्तीय शक्ति यानी वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति क्या है, उस संबंध में चर्चा करेंगे। संविधान की धारा 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। यही आपको पता चल जाता है कि लोकसभा राज्यसभा से कितनी अधिक शक्तिशाली सदन है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकते हैं, राज्यसभा में किसी भी वित्त विधेयक की शुरुआत नहीं हो सकती। उसके बाद फिर दूसरा बिंदु, लोकसभा में पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, यानी 14 दिवस के अंदर उस विधेयक को पारित कर लोकसभा को लौटाना होगा। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस विधेयक को वित्त विधेयक को पारित कर लोकसभा को नहीं लौटाती है तो स्थिति में विधेयक उसी स्थिति में पारित मानी जाएगी जिस स्थिति में वो लोकसभा में पारित हो गया है। उसके बाद राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन के लिए केवल सुझाव दे सकती है, यानी 14 दिवस के अंदर राज्यसभा को केवल इतनी ही शक्ति प्राप्त है कि कुछ संशोधन के सुझाव देकर वो लोकसभा को विधेयक लौटा सकती है। उसके बाद लोकसभा उन सुझावों को अमान्य कर सकती है, यानी उसको मानना या नहीं मानना ये लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर करती है। तो उसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा शक्तिशाली सदन है, राज्यसभा की स्थिति गौण है। अब दूसरी शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। संघीय कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय शासन व्यवस्था को हमने भारत में अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो भी कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है, और भारत में चूंकि व्यवस्थापिका का प्रथम सदन है और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का सदन है लोकसभा, इसलिए कार्यपालिका केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, आइए हम समझते हैं। उसका अर्थ ये होता है कि कार्यपालिका तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, यानी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना कार्यपालिका के लिए अनिवार्य होता है।
उसके बाद दूसरा है लोकसभा के सदस्य कार्यपालिका के सरकार की नीति एवं कार्य के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों के जरिए लोकसभा के सदस्य कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकते हैं। और तीसरा है लोकसभा के सदस्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी वित्तीय अवित्तीय विधेयक को अस्वीकार कर या संशोधन प्रस्तावित कर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जब भी जैसे ही मैंने बताया कि विधेयक पारित होने की जो प्रक्रिया है उसमें सदस्य सभी मतदान करते हैं। यदि सरकार द्वारा कोई विधेयक प्रस्तावित किया गया है तो अब सदन के जो सदस्य हैं उसमें उसको अस्वीकार करना चाहते हैं तो अस्वीकार कर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। चौथा, लोकसभा द्वारा अविश्वास मत पारित कर कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति के बारे में धारा 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। ये अधिकांश भाग से मेरा आशय ये है कि संविधान के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन संविधान के अधिकांश जो प्रावधान है उनमें केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया इस प्रकार है। संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। कुछ प्रावधान दोनों सदनों में साधारण बहुमत के आधार पर संशोधित हो सकते हैं एवं कुछ प्रावधान दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि अवित्तीय विधेयक के मामले में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जहां तक संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव है तो उसमें किसी प्रकार की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना अलग अलग आवश्यक है एवं अनिवार्य। भारत के ये निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा के कार्य किस प्रकार हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। आपको ये मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। एवं तीसरा, लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन? सही उत्तर है 14 दिन। अवित्तीय विधेयक के मामले में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या किया जाता है? विधेयक निरस्त कर दिया जाता है, राज्यसभा का निर्णय अंतिम होता है, केवल लोकसभा उस पर निर्णय लेती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। सही उत्तर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। निम्नलिखित में से किसके चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग नहीं लेते? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या लोकसभा का अध्यक्ष? राज्य के राज्यपाल, क्योंकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता। अब कुछ निबंधात्मक प्रश्न है। भारत के लोकसभा के संगठन कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत के लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए एवं उसके साथ भी यह आ सकता है, क्या लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली सदन है? इस बात को स्पष्ट कीजिए। आज के इस विषय में, आज के इस व्याख्यान से आप ये जान चुके होंगे कि भारत के लोकसभा का संगठन कैसे होता है, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ क्या है तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है।